हेलो एवरीवन, मैं गायत्री हाउ टू मेक फन सभी का स्वागत करती हूँ। और आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ स्नैक्स की रेसिपी, जो मॉर्निंग इवनिंग आप टी टाइम में ले सकते हैं। बहुत ही खस्ता, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इसे बनाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, रेसिपी का फुल वॉच करिएगा। मेरी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल पर आप लोग को शॉर्ट रेसिपीज़ भी मिलेगी देखने को, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाना है। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर 1 कप मैंने मैदा लिया है, ये होममेड बटर है, मक्खन जो मैंने लिया है 2 टीस्पून, नमक लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, अजवाइन लेंगे 1 टीस्पून, यहाँ पर मैं ले रही हूँ ड्राई ईस्ट 1/2 टीस्पून। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका डो तैयार कर लेंगे। आप चाहो तो इसमें ऑयल भी ले सकते हैं मक्खन की जगह, बटर की जगह। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से इसका मैं डो तैयार कर रही हूँ। इसका डो पतला नहीं करना है, जिस तरह से हम ब्रेड या बन बनाते हैं उस तरह से इसका डो तैयार नहीं होगा, थोड़ा सा सख्त डो तैयार होगा। इसको इस तरह से मसल मसल के मैं सॉफ्ट कर लेती हूँ, ये फटना नहीं चाहिए और एकदम सॉफ्ट स्मूथ डो तैयार होना चाहिए। तो यहाँ देखिए डो तैयार हो गया है, तो इसके बराबर साइज़ के मैं पीसेस कर लेती हूँ, गोले बना लेती हूँ और इसको बेल लेते हैं हम बिल्कुल पतला। जितना आपसे पतला बेल सके ना, उतना आप इसको पतला बेल लीजिए। तो यहाँ पर मैं आटा डाल के बेल रही हूँ और उसके बाद इसको बेलने की और एक और ट्रिक मैं आपको बताऊँ। तो यहाँ सभी रोटियों को हम इस तरह से बेल लेते हैं और ये देखिए इस तरह से मैंने पतली पतली फिर से इसको बेल रही हूँ। मतलब एक बार बेलने के बाद इसको रख दिया है, फिर दोबारा बेल रहे हैं, तो इससे क्या बहुत ही पतली रोटियाँ बेलती हैं। और इस तरह से सभी रोटियों को बेलने के बाद फिर ये देखिए एक के ऊपर एक रोटियां रख रही हूँ मैं और डस्टिंग करती जा रही हूँ मैदे की। तो इससे क्या होगा कि चिपकेगी नहीं आपस में, और उसके बाद जो हम बेलेंगे इसको तो ये मतलब इजीली अलग हो जाएंगी। तो बस देखिए इस तरह से मैंने इस पर डस्ट करके मैदा और इसको फिर से बेल रही सभी को इकट्ठा करके। तो आप इसी तरह से बेलेंगे ना तो बहुत ही पतली बेलेंगी। और ध्यान रखिएगा ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना, हल्के हल्के हाथों से करना है और इस तरह से बीच बीच में रोटियों को उठाते जाना और डस्टिंग करते जाना है। तो फटाफट बिल जाती है, एक साथ बहुत सारी रोटियां बिल जाती है। देखिए मैं डस्टिंग भी करती जा रही हूँ, साथ में रोटियों को पलटते भी जा रही हूँ। तो ये आपको आइडिया मिल जाएगा, आप करोगे ना तो आपको ईजिली आ जाएगा समझ में कि किस तरह से करना है। ये देखिए बस इस तरह से मैंने सभी रोटियों को बेल के अब इनको अलग अलग कर लेती हूँ। बिल्कुल पतली कागज़ जैसी रोटियां बनी हैं। तो यहाँ पर सभी को मैंने अलग अलग कर लिया है, मतलब इनको अलग अलग करने का कारण ये है कि इनको हमको बिल्कुल पतली बेलना है। और फिर से डस्टिंग करके मैं इन पर एक एक लेयर फिर से डालती जा रही हूँ, क्योंकि जो हम स्नैक्स बना रहे हैं ना उसमें जो लेयर है ना वो बिल्कुल पतली पतली लेयर दिखेंगी, जिस तरह से हम नमकीन खारियाँ बनाते हैं ना बस उसी तरह से बनेगी ये। तो आप चाहो तो जिस तरह से हम पफ पेस्ट्री बनाते हैं ना उस प्रोसेस से भी आप इसको बना सकते हो, लेकिन ये बहुत ईजी तरीका है। इसमें ना तो जो हम बटर लगाएंगे वो बाहर निकलेगा, कुछ भी नहीं होगा। और ये देखिए इस तरह से मैंने इसको फिर से अलग अलग कर लिया है, बहुत पतली बिली हैं ये रोटियां। तो अब इस पर हम जो बटर मैंने लिया था ना उसको ग्रीस कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैदा डस्टिंग करा है नीचे सबसे लेयर पे, और उसके बाद यहाँ पर ये बटर लगा रही हूँ मैं। तो एक एक लेयर पर मतलब बटर लगाते जाना है और एक एक लेयर को आपको रखते जाना है इस तरह से। देखिए तो बहुत ही ईजीली, मतलब आपकी जो पफ पेस्ट्री ना आप बनाना चाहो तो इस तरह से भी बना सकते हो, और काफ़ी फ्लफी मतलब कई लेयरों वाली बनती है, सॉफ्ट बनती है। और नमकीन जो रहती है ना वो सॉफ्ट और कई लेयर वाली रहती है ना इस तरह की, तो ही अच्छी लगती है। तो बस देखिए इस तरह से मैं सभी को कर लेती हूँ। सभी लेयरों को रख के मैदा डस्ट करके और इसको बेल लिया है, तो जिससे पफ पेस्ट्री बनाते ना उसी तरह से बना रही हूँ मैं इसको। यहाँ पर ये टमाटर सॉस डाला है लेकिन थोड़ा स्पाइसी बन रहा है, और यहाँ डाला है मैंने चिली सॉस। दोनों को डाल के अच्छे से मिक्स करके इसको मैं फैला देती हूँ इस तरह से, जिस तरह से हम पिज़्ज़ा बेस पर फैलाते हैं ना उसी तरह से मैं सॉस फैला रही हूँ उसके ऊपर। और चारों तरफ फैलाने के बाद इस पर मैं डालूँगी पोटैटो, आप चाहो तो पनीर भी ले सकते हो, चीज़ भी ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है वो ले सकते हो वेजिटेबल। तो यहाँ पर मेरे पास उबला हुआ पोटैटो था, उसी से मैं बना रही हूँ इसको। तो ये बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं आलू से बनी हुई रेसिपीज़। तो यहाँ पर मैंने चारों तरफ ग्राइंड कर दिया है पोटैटो और कद्दूकस कर दिया है। उसके बाद अब इसके हम पीसेस करेंगे। तो यहाँ पर जो पीसेस है ना, जो डिज़ाइन है ना वो अलग थोड़ा डिफरेंट तरीके से दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक डाली हूँ, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालूंगी और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने डाला है जीरा पाउडर। तो बस ये हल्का सा मसाला डाल दिया, इससे क्या होगा टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाएगा। तो बस इसके हम पीसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कटर से मैं पीसेस कर रही हूँ, पिज़्ज़ा कटर से। तो इसी तरह से आप कर सकते हैं, और जो डिज़ाइन बनेगी ना वो काफ़ी अच्छी लगती है, बनने के बाद काफ़ी अच्छी दिखती है। तो बस इस तरह से मैंने बराबर साइज़ के पीसेस कर लिए हैं इसके, और अब इसको हम फोल्ड करते हैं। तो यहाँ किनोर पे जो कोने पे है ना उसको मैं थोड़ा सा हटा के बीच में ले लेती हूँ, जो हमने स्टफिंग करी है ना उसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेती ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो जाए। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया है,
और जब ये बनेंगे ना तब इसकी लेयरें है ना खुल जाएंगी, मतलब अच्छी फ्लॉपी बनेंगे, बहुत मतलब लेयरों वाले बनते हैं तो अच्छे लगते हैं खाने में, जैसे पफ पेस्ट्रियाँ बनती है ना बस उसी तरह से बनते हैं ये। तो बस इसको इसी तरह से मैं सभी को कर लेती हूँ। और ओवन को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है, तो 5 मिनट के लिए हमको ओवन को प्री हीट करना है। ओवन प्री हीट हो जाएगा उसके बाद इसको हम बेक करेंगे। तो अभी तो मैं देखिए इस तरह से बना लेती हूँ सभी को। यहाँ पर मैंने लिया है बेकिंग ट्रे जिसे मैंने घी से ग्रीस करा है। इन सभी को रख देंगे इसके ऊपर और कम से कम आधा घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। आधा घंटे बाद देखा है तो इस तरह से ये थोड़े से फूले हैं, इन पे लगा देती हूँ मैं बटर। आप चाहो तो एग येलो भी लगा सकते हो या फिर आप मिल्क भी लगा सकते हो। और इसे बेक होने के लिए रख देते हैं 25 मिनट के लिए। 25 मिनट बाद ये इस तरह से बेक हुए हैं और काफ़ी अच्छे से बेक हो चुके हैं, खस्ता हुए हैं। आप इसे चाय के साथ सर्व करिए, गर्म गर्म बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पर मैं गरम गरम पे बटर थोड़ा सा और लगा रही हूँ ताकि शाइनिंग आ जाए, अच्छा दिखे। तो आज की रेसिपी कैसी लगी आप लोग को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके।